है, स्मॉल स्मॉल यूनिट होते हैं। अच्छा क्या होता है दोबारा बताना। शेयर कैपिटल को हम छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देते हैं तो वो शेयर्स कहलाते। ठीक है, देखो शेयर कैपिटल क्या कैपिटल को बताया छोटे था, छोटे शेयर नॉमिनल वैल्यू और फेस कैपिटल। वैल्यू। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलो ठीक है। अच्छा आगे बताया था फिर हाँ प्रोसेस ऑफ इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है। उसके बाद हमने बात किसकी की थी, ये एंट्रीज। हाँ जो शेयर्स हम इशू करेंगे वो डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस पे करेंगे। जैसे बताओ सबसे पहले हम शेयर्स को कैसे इशू कर सकते हैं, एट पार हम शेयर्स को, प्रीमियम कंपनी शेयर्स को पार पे इशू कर सकती है, ठीक है, प्रीमियम पे इशू कर सकती है और डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती, ठीक है। हाँ डिस्काउंट पे नहीं हमारे शेयर्स कभी भी इशू नहीं होते हैं, हाँ उसका एक्सेप्शन है, कर ठीक सकते। 2000 कंपनी है। 2013 हाँ आपको इतना समझना है कि डिस्काउंट पे शेयर्स इशू नहीं होते हैं एज पर कंपनीज एक्ट 2013, पहले होते थे डिस्काउंट पे इशू बट अब नहीं होते। हटे अच्छा पार पे इशू होने का मतलब क्या बताया था, जब उसकी फेस वैल्यू फेस और शेयर वैल्यू। इश्यू वैल्यू बराबर हो। हाँ जब उसके, जब शेयर्स की फेस वैल्यू इक्वल होती है किसके, इश्यू प्राइस के, तो हम उसको क्या कहते हैं, शेयर्स इश्यूड एट पार, है ना, पर बोलो। अच्छा फेस वैल्यू का मतलब क्या बताया यस था, कि जितने रुपए से हम उसको ऑनरशिप देंगे, ठीक है, हर शेयर की क्या होती है, एक फेस वैल्यू होती है, ठीक है। अच्छा प्रीमियम पे शेयर इशू करने का मतलब क्या बताया था, फेस वैल्यू ज्यादा हो जब फेस वैल्यू ज्यादा होती है, तो कम कम होती है, होती है, कम कम होती है, होती है इशू प्राइस फेस वैल्यू कम है, इशू प्राइस ज्यादा है। जैसे फेस वैल्यू ज्यादा 100 है और इशू प्राइस कितना है, 120, तो 20 रुपए जो हम है। ज्यादा एक्स्ट्रा ले रहे हैं, ऑनरशिप बनाए, ऑनरशिप देंगे 100 रुपए से, ठीक है, कम बट होती है पैसा प्रीमियम पैसा कितना ले रहे हैं, 20 रुपए, 120 रुपए, 20 रुपए तो जो 20 रुपए फालतू पैसा ले रहे हैं ज्यादा दैट इज वो प्रीमियम है प्रीमियम, और डिस्काउंट पे तो शेयर हमारे इशू होते ही नहीं है, है ना। अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013। हाँ जी उसके बाद क्या बताया था, हाँ ये चलो, अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 नोट शेयर्स कैन नॉट बी इश्यूड नोट एट इशू एट डिस्काउंट, डिस्काउंट, है ना। डिस्काउंट चलो आज इसके आगे चले। अच्छा यस सर, यस ठीक है, सर, अभी हमने देखा शेयर्स के प्राइसेस क्या हो सकते हैं, ठीक है, यानी शेयर पार पे इशू हो सकता है, प्रीमियम पे इशू हो सकता प्रीमियम है, ठीक है। डिस्काउंट अब ये देखते हैं कि जो शेयर्स है, जो शेयर का प्राइस है, जो भी पैसा है, वो मंगाना कैसे है, कंपनी क्या करेगी, अब पैसा मंगाएगी, जो जो उनके शेयर्स खरीदेंगे उनसे क्या पैसा लेना है या नहीं लेना है, या फ्री में ऑनरशिप लेना देनी सकते है, हैं ठीक कुछ है। पैसे लेकर, पैसा हाँ पैसा लेना है, तो देखो लेना पैसा जो लेना है यानी अमाउंट जो मंगाना है शेयर्स का, वो कितने तरीकों से हम मंगा सकते हैं, सर जी, हाउ। ऑफर दे सकते हैं, हाँ तो ऑफर तो ऑफर या देना है, इनवाइट। वो तो हो गया स्टेप, हो गया पहले स्टेप में हम ऑफर देते हैं, दूसरे स्टेप में लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है, फिर अप्लाई हम उनको करते शेयर हैं, देते हैं, रिटर्न में बट रिजेक्ट करते पैसा हैं। जो मंगाना है, जो हम बोलेंगे कि आप पैसा दो, तो पैसा मांगने का क्या तरीका है, ठीक है, हाउ अमाउंट ऑफ शेयर्स इज कॉल्ड, जनरल यानी कंपनी जो है शेयर्स का पैसा जो मंगाती है, वो मंगाने के कितने तरीके हैं कंपनी के पास में, ठीक है। तो कंपनी जो पैसा मंगाती है, दो तरीकों से पैसा मंगा सकती है, ठीक है। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका है लमसम, लमसम ऐसे कह सकते हैं इन लमसम। पहला तरीका क्या है बोलो, पहला तरीका है इसका लमसम, मतलब क्या क्या होता है सर जी, इन लमसम का मतलब क्या होता है, अभी बताता हूँ, ठीक है। और एल यू जो एम जी LUMPSUM अच्छा लम लमसम, अच्छा एल यू एम अच्छा ठीक है, एक, लम सम हाँ हाँ बिल्कुल, एक क्या होता है लमसम और एक क्या होता है इन इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। पहला क्या है, पैसा मंगाना है, तरीका है ये क्या है, तरीका किस चीज का, पैसा मंगाने का, पैसा पैसा जो मंगाना है उसके तरीके क्या है, पहला
पहला मेथड क्या है हमारे पास, यानी पहला जो तरीका है वो क्या है, लमसम। दूसरा क्या है, इंस्टॉलमेंट। ठीक है, अच्छा लमसम का मतलब क्या होता है बताओ? लमसम का मतलब होता है इकट्ठा पैसा मंगाना, टोटल पेमेंट। एक मिनट, हाँ टोटल, हाँ लमसम का मतलब क्या होता है, इकट्ठा पैसा मंगाना। इकट्ठा मतलब एक साथ पैसा मंगा लेना, उसको कहते हैं लमसम। ठीक है, इंस्टॉलमेंट्स का मतलब क्या होता है, किस्तों में पैसा मंगाना, यानी किसको कह सकते हो आप, टुकड़ों में पैसा मंगाना। कैसे मंगाना, टुकड़ों में। ठीक है, पैसा मंगाने का तरीका है, तो पहला तरीका क्या है, इकट्ठा। इकट्ठा मतलब एक साथ, एक बार में। हाँ एक बार में। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लमसम मेथड का मतलब क्या कह सकते हैं हम लोग, लमसम मेथड को हम ऐसे कह सकते हैं, व्हेन कंपनी, व्हेन कंपनी कॉल्ड अमाउंट ऑफ शेयर इन सिंगल इंस्टॉलमेंट। क्या बोला है, जब कंपनी अमाउंट जो है कंपनी जो भी शेयर्स का प्राइस है वो एक ही इंस्टॉलमेंट में मंगवा ले, एक ही किस्त में मंगवा ले, एक ही बार मंगा ले, उसको क्या कहते हैं, लमसम में मंगा ले। ठीक है, अब समझ आया? यस सर। बोलो जो पूछ रहा था। यस सर। अच्छा, और इंस्टॉलमेंट का मतलब समझ ही आ गया, जो हम पैसा मंगा रहे शेयर्स का टुकड़ों में मंगवा रहे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सर, लमसम का मतलब डायरेक्ट यही है ना कि मतलब पैसा दे के सामान ले लिया। क्या कह रहे हो, बोलो सर, लमसम का मतलब यही है ना कि मतलब एक ही बार पेमेंट करनी है। एक मिनट, हाँ कुछ कह रहे थे आप मोहित? हेलो बोलो सर, मैं कह रहा था कि लमसम का मतलब यही है ना कि एक ही बार पेमेंट करनी है बस। हाँ बिल्कुल, एक ही साथ जितना भी पैसा है वो एक ही बार मंगा लेना। जैसे कि आपकी जो पूरे साल की जो फीस है वो हम अगर इकट्ठा मंगवा ले कि आप पूरे साल की फीस इकट्ठा दे दो, एक ही टाइम पेमेंट करनी है वन टाइम, तो इसी को बोल देंगे क्या, लमसम। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, अब समझ आया कुछ? हाँ जी सर। अच्छा सर, अच्छा इंस्टॉलमेंट का मतलब फिर क्या होगा बताओ? बताओ इंस्टॉलमेंट पेमेंट है वो जी, जो पैसा किस्तों में देना, इसको ऐसा कह सकते हैं रुक रुक के देनी पेमेंट। कंपनी कॉल्ड अमाउंट ऑफ शेयर इन मैनी इंस्टॉलमेंट्स, या एक से ज्यादा किस्तों में जब मंगाए तो उसको क्या कहते हैं, टुकड़ों में। बस समझ आई?
बोलो सर। अच्छा सर, अगर इकट्ठा पैसा मंगा रही है तो उसको क्या बोलेंगे, लमसम, ठीक है। और अगर टुकड़ों में पैसा मंगा रही है यानी किस्तों में पैसा मंगा रही है, जैसे शेयर का जो प्राइस है, जैसे शेयर का प्राइस है 10 रुपए, शेयर का प्राइस कितना है 10 रुपए, 10 रुपए हाँ, और कंपनी जो पैसा मंगा रही है वो इकट्ठा अगर मंगा रही है कि हाँ भाई सारा पैसा आप इकट्ठा दे दो एक बार, ठीक है, एक ही बार दे दो, एक शेयर 10 रुपए का है, ठीक है, इकट्ठा पैसा मंगा रही है, तो इकट्ठा पैसा मंगा रही है तो वो क्या है, लमसम, ठीक है। बट कंपनी कह रही है कि आप एक काम करो, अभी आप 5 रुपए दे दो, ठीक है, हमारा शेयर 10 का है, अभी आप 5 दे दो, 2 महीने बाद आप 3 रुपए दे देना, और उसके 2 महीने बाद आप 2 रुपए दे देना, 2 रुपए दे देना। 10 रुपए को हमने मंगाया है, कैसे मंगाया, टुकड़ों में मंगाया, किस्तों में मंगाया, बात समझ आई, यस सर, है ना, तो इसको क्या कहते हैं, इंस्टॉलमेंट मंगा, समझ आया। अच्छा अब हमारे पास जो किस्तों में जो पैसे मंगाएंगे उनके नाम भी है, यानी इंस्टॉलमेंट्स के नाम भी है हमारे पास, कि पहले इंस्टॉलमेंट्स को हम क्या बोलेंगे, दूसरे इंस्टॉलमेंट्स को क्या बोलेंगे, तीसरे इंस्टॉलमेंट्स को क्या बोलेंगे, ठीक है। जो हमारी पहली इंस्टॉलमेंट्स है उनको हम, उसको हम बोलेंगे शेयर एप्लीकेशन, क्या बोलेंगे, शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। जो दूसरी अलॉटमेंट होगी, जो यानी दूसरी जो किस्त होने वाली है, ठीक है, इंस्टॉलमेंट होने वाली है, उसको बोलेंगे हम क्या, शेयर अलॉटमेंट, क्या बोलेंगे, शेयर अलॉटमेंट, ठीक है। उसके बाद, उसके बाद भी अगर किस्त है, जैसे 3 किस्तों में मंगा रहे हैं, तो पहली किस्त का नाम क्या होगा, एप्लीकेशन, दूसरी किस्त का नाम क्या होगा, अलॉटमेंट, और तीसरी किस्त का नाम क्या होगा, हाँ, इसका होगा शेयर फर्स्ट कॉल, क्या होगा इसका, शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल, बस समझ आई सर जी, फर्स्ट कॉल का मतलब समझ नहीं पाया, फर्स्ट कॉल भाई किस्त का नाम है, ये तो इंस्टॉलमेंट्स का नाम है, इसमें कुछ मतलब थोड़ा है, नाम है तो जी, आपका नाम क्या है, अलॉटमेंट से तो थोड़ा समझ में आता, अविनाश, हाँ तो भाई अविनाश आपका नाम है, तो ऐसे इसका भी नाम है, इंस्टॉलमेंट्स का नाम है, इसमें आप कोई लॉजिक भी ढूंढ सकते हैं, फर्स्ट कॉल, तो जी एप्लीकेशन से तो पता चल रहा है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हो रहा है तो अप्लाई बंदा कर रहा है तो उसे एप्लीकेशन बोल दिया, और सेकंड टाइम अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट जैसे मैंने आपको पैसे दिए तो आपने अलॉट कर दिए कि आप एक काम कर सकते हो, मतलब आप मेरे कंपनी में ऑनर बन सकते हो, इसने, तो इससे समझ में आ रही ये है, नाम है, इससे आप मतलब कुछ नहीं निकाल सकते, यहाँ कोई मतलब नहीं निकलता कि एप्लीकेशन है तो ये एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है तो अलॉट कर रहे हैं, ऐसा कुछ है, सिंपल किसका नाम है, इसमें आप लॉजिक मत। अच्छा फिर अगली किसका नाम क्या होगा, अगली किसका नाम क्या होगा, शेयर सेकंड कॉल, सेकंड कॉल, ठीक है, बात समझ आई, पहली किसका नाम क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन, दूसरी किसका नाम क्या होगा, शेयर अलॉटमेंट, तीसरी किसका नाम क्या होगा, शेयर फर्स्ट कॉल, और फोर्थ किसका नाम क्या होगा, शेयर सेकंड कॉल। अगर उसके बाद भी कॉल है, अगर उसके बाद भी, अगर हम 5 किस्तों में मंगवा रहे हैं तो जो 5वीं किस्त होगी उसको क्या बोलेंगे, शेयर थर्ड एंड फाइनल कॉल, फाइनल कॉल, जो भी आपकी फाइनल कॉल होगी, मतलब जो लास्ट वाली इंस्टॉलमेंट होगी, लास्ट वाली किस्त होगी, उसके साथ आप ये फाइनल कॉल लगा देंगे। जैसे हमारी 3 ही किस्त है, अगर 3 किस्त है तो पहली किस्त का नाम क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन, दूसरी किस्त का नाम क्या होगा, शेयर अलॉटमेंट, तीसरी किस्त का नाम क्या होगा, तीसरी किस्त का नाम क्या होगा, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, हाँ। अगर 4 किस्त है तो इस 4 ही किस्त है तो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल यहाँ पे लग जाएगा, बोलो समझ आया, यस सर, ठीक है। तो अभी क्या देखा हमने कि पैसा मंगाने का तरीका क्या है, तो पैसा आप लमसम में मंगा सकते हो, पैसा आप इंस्टॉलमेंट्स में मंगा सकते हो, बात समझ आई, यस सर। अच्छा शेयर के प्राइसेस देखे थे, बताओ शेयर का प्राइस क्या होता है, या तो पार पे इश्यू हो सकता है और प्रीमियम पे इश्यू हो सकता है, ठीक है। अच्छा और पैसा मंगाने का तरीका क्या है सर जी, पैसा मंगाने का लमसम और इंस्टॉलमेंट। अब देखो हमारे पास यहाँ पे कुछ केसेस बनेंगे,
हमारे पास अब कुछ केसेस बनेंगे। क्या केसेस होंगे? देखो पहला केस क्या बनेगा, पहला केस बनेगा आपका जब आपके शेयर इश्यू हो रहे हैं पार पे। ध्यान से सुनना, पहला केस शेयर इश्यू हो रहा है कैसे, पार पे, पार पे, और पैसा आ रहा है लमसम में। पहला केस, पहला केस क्या बनेगा बताओ? शेयर इशू हो रहा है पार पे और पैसा आ रहा है लमसम, लमसम पे। यहाँ पे जो केसेस बनेंगे आपके, ध्यान से देखना केसेस। तो पहला केस क्या बनेगा, व्हेन शेयर्स आर इश्यूड, हमें जर्नल एंट्री पास करनी है, शेयर्स इश्यूड आर, व्हेन शेयर्स आर इश्यूड एट पार, ठीक है, एंड अमाउंट इज कॉल्ड इन लमसम। पहला केस बन गया, पहला क्या बना, जब हमारे शेयर इश्यू हो रहे हैं पार पे। यह प्राइस की बात हो रही है, प्राइस है पार, मतलब जब फेस वैल्यू बराबर होता है इश्यू प्राइस के, तो शेयर इश्यू हो रहा है पार पे और पैसा आ रहा है कैसे, अभी देखा हमने पैसा कैसे आ रहा है लमसम में, बार में लमसम, ठीक है। तो ये पहला केस हो गया हमारा, बोलो। यस सर, ठीक है, ये पहला केस हो गया। अच्छा दूसरा केस क्या बनेगा, दूसरा केस क्या बनेगा, दूसरा केस ये बनेगा कि शेयर, शेयर इश्यू हो रहा है प्रीमियम पे, सबके साथ एक एक केस बनेगा। जैसे पार पे इश्यू हो रहा है तो पैसा आएगा लमसम में, ठीक है, शेयर इश्यू हो रहा है प्रीमियम पे, पैसा कैसे आ रहा है, तो पैसा लमसम में, लमसम में, लमसम, पहले लमसम लेके चलेंगे फिर इंस्टॉलमेंट, ठीक है, लमसम में। दूसरा केस क्या बनेगा, व्हेन शेयर आर इश्यूड एट प्रीमियम, ठीक है, एंड अमाउंट इज कॉल्ड इन लमसम। ये दो केस बन गए, ठीक है, पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है लमसम में, बट प्राइस क्या है उसका, पार है और प्रीमियम। पहला केस क्या बना, शेयर इश्यू हो रहे हैं पार पे और पैसा आ रहा है लमसम में। दूसरा क्या है, शेयर इश्यू हो रहा है प्रीमियम पे और पैसा आ रहा है लमसम में, ठीक है। अच्छा तीसरा केस, अगर तीसरा केस बनाए हम, बताना चाहोगे आप में से कोई, तीसरा केस क्या बनेगा, डिस्काउंट, व्हेन शेयर्स आर इश्यू एट पार, अमाउंट इज कॉल्ड इन इंस्टॉलमेंट। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला, किसने बोला ये, तपन भाई ने, डायरेक्ट मैंने बोला। हाँ तो क्या होगा, पहला केस समझ आया, जब शेयर इश्यू हो रहा है पार पे पैसा आ रहा है लमसम में। दूसरा केस, जब शेयर इश्यू हो रहा है प्रीमियम पे पैसा आ रहा है लमसम में, ठीक है। तीसरा केस क्या बनेगा, जब शेयर इश्यू हो रहा है पार पे, जब शेयर इश्यू हो रहा है पार पे और पैसा कैसे आ रहा है, इंस्टॉलमेंट्स में, ठीक है। तो ये लिख देंगे, व्हेन शेयर्स आर इश्यूड एट पार एंड अमाउंट इज कॉल्ड इन इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है, ठीक है। अब कोई दूसरा बच्चा बताओ अगला केस क्या होगा, बताओ। व्हेन शेयर आर इश्यूड एज प्रीमियम, अमाउंट इज कॉल्ड इंस्टॉलमेंट। सही है yes, अविनाश? यस सर सही है, बोलो सही है ना, यस सर जी सही है। और केस क्या बन जाएगा, व्हेन शेयर्स आर इश्यूड एट प्रीमियम, प्रीमियम अमाउंट इज कॉल्ड इन इंस्टॉलमेंट, एंड अमाउंट इज कॉल्ड इन इंस्टॉलमेंट,
इंस्टॉलमेंट। अगर आपको ये केसेस समझ आ गए ना तो कंपनी अकाउंट तो ऐसे ही आपको समझ में आ जाए। जल्दी समझ में आ गए। हाँ, तो इसकी जनरल एंट्री भी करनी है ना, क्वेश्चंस वगैरह करने इस केसेस के ऊपर क्या बन सकता है। ठीक है, तो क्या केस बना देखो, एक तो हमने प्राइस देखा कि शेयर्स के प्राइस क्या हो सकते हैं, दूसरा हमने क्या देखा, पैसा कैसे मंगा सकते हैं। अब इन दोनों के साथ केसेस बनेंगे। पहला केस क्या बना कि शेयर इश्यू हो रहे पार पे, पार का मतलब पता है आपको, और पैसा आ रहा है लमसम में। दूसरा केस शेयर इश्यू हो रहा है प्रीमियम पे, पैसा आ रहा है लमसम में, लमसम। फिर अगला केस शेयर इश्यू हो रहा है पार पे, पैसा आ रहा है इंस्टॉलमेंट में, इंस्टॉलमेंट। अगला केस क्या है, शेयर इश्यू हो रहा है प्रीमियम पे, पैसा आ रहा है इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट। तो आपने क्या देखा कि पार के साथ दो केसेस है, पार के साथ कितने केसेस, प्रीमियम के साथ दो केसेस, पार पार के साथ एक लमसम भी है और पार के साथ इंस्टॉलमेंट भी है, प्रीमियम के साथ एक लमसम भी है और साथ में इंस्टॉलमेंट भी है, चार केसेस हो गए। बोलो समझ आया? यस सर। पहला केस चले, अब पहला केस करें, इसके ऊपर क्वेश्चन बनाए। यस सर। एक क्वेश्चन बनाते हैं, एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एससी लिमिटेड है, संजय क्लासेस लिमिटेड है, उसने इश्यू करा है, इश्यूड 10,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच एट पार। ठीक है, आगे बोला है कंपनी रिसीव द एंटायर अमाउंट ऑफ शेयर्स अलॉन्ग विद एप्लीकेशन। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, फुल स्टॉप। पास जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजेक्शन। ये क्वेश्चन है आपका, क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि संजय क्लासेस लिमिटेड है, ठीक है, उसने इश्यू करा है, उसने क्या करा है, बोलो, इशू करा है, इशू सर जी, क्या इशू करा है, इशू 10,000 शेयर किया, 10,000 शेयर इशू करा है, एक शेयर की कीमत कितनी है, 10 रुपए। क्या लिखा है, एट पार, क्या लिखा है, एट पार। हाँ, क्या लिखा है, एट पार, एट पार का मतलब क्या होता है, पार का मतलब बताया था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है, कंपनी रिसीव, कंपनी को रिसीव हुआ है एंटायर अमाउंट, एंटायर अमाउंट का मतलब क्या है, सारा पैसा, एंटायर अमाउंट ऑफ शेयर्स अलोंग विद एप्लीकेशन, यानी सारा का सारा पैसा कंपनी को एप्लीकेशन पे ही मिल गया। सारा पैसा कैसे मिल गया, एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है बताओ, एप्लीकेशन का मतलब है जब हम अप्लाई करते हैं किसी कंपनी में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए। हाँ, जब हम कंपनी में अप्लाई करते हैं कि हमें क्या चाहिए, शेयर चाहिए, ठीक है, तो जो हम अप्लाई करते हैं उस टाइम जो एडवांस पैसा भिजवाते हैं उसी को कहते हैं एप्लीकेशन। ठीक है, और क्वेश्चन है कि आपको क्या पास करना है, जर्नल एंट्रीज। बोलो, क्वेश्चन समझ आया, बोलो सर। यस सर। तो कैसे करेंगे उस क्वेश्चन को, देखो
जैसे ये कंपनी है एसए लिमिटेड, ठीक है, और इसको चाहिए पैसा, तो इसने क्या करा, जो जनरल पब्लिक होती है, ठीक है, उनके पास गई और उनको ऑफर दिया। पहला स्टेप क्या होता है बोलो, पहला क्या स्टेप होता है, ऑफर देना। इसने ऑफर दिया, कितने शेयर के लिए ऑफर दिया, 10,000 शेयर्स के लिए, कितने के लिए, 10,000 शेयर्स के लिए। अब जिसको भी ये अगर चाहिए होगा, अच्छा एक शेयर कितने रुपए का है, ऑफ रुपीज 10 ईच, और कैसे इश्यू हो रहा है, पार पे। पार का मतलब मैंने बताया, पार का मतलब क्या होता है कि जब हमारा फेस वैल्यू बराबर होता है किसके, फेस वैल्यू इक्वल टू इशूड प्राइस, इशूड प्राइस की, ठीक है। अच्छा जिसको भी चाहिए होगा वो शेयर खरीदने के लिए क्या करेगा, अप्लाई करेगा, बोलो हाँ या ना, अप्लाई करेगा। यानी सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। अच्छा अप्लाई कैसे करते हैं, फोन करके या व्हाट्सएप जी, एडवांस में पैसे, एप्लीकेशन देते हैं, एडवांस में पैसा देते हैं, है ना, ये जो एडवांस में जो पैसा देते हैं ना, इसी को बोलते हैं एप्लीकेशन। इसी को क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन। अच्छा उसके बाद कंपनी क्या करती है, तीसरा स्टेप क्या होता है जी, उसे या तो इशू कर देती है, या तो क्या करती है, रिजेक्ट कर देती है, या तो इशू, ठीक है, या क्या करती है, रिजेक्ट, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कंपनी ने इशू करा है 10,000 शेयर्स, ठीक है, और एक शेयर की कीमत 10 रुपए है, और पार पे इशू हो रहा है, और पैसा आ रहा है कैसे, सारा का सारा पैसा एप्लीकेशन पे ही आ रहा है। तो बताओ ये कौन सा केस बन गया, जो अभी हमने चार केसेस देखे थे, ये कौन सा वाला केस है, पहला केस है। कैसे, क्योंकि शेयर इशू हो रहा है पार पे, 10 की चीज 10 में जा रही है, मालिक बनाएंगे 10 रुपए से, और पैसा भी आएगा 10 रुपए, और पैसा कैसे आ रहा है, इकट्ठा पैसा आ रहा है। वो कह रहा है ना, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यस सर, कंपनी रिसीव्ड एंटायर अमाउंट, सारा पैसा एप्लीकेशन अलोंग विद एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के साथ आ रहा है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, अगर जर्नल एंट्री की बात करें, सबसे पहले बताओ स्टेप वन की कोई एंट्री होगी ऑफर देने की, कंपनी जब इशू कर रही है तो इशू करने से पहले ऑफर भी तो किया होगा, नहीं ऑफर देने की एंट्री नहीं होगी, नहीं नहीं। दूसरे स्टेप की क्या एंट्री होगी बोलो, दूसरे स्टेप में हो क्या रहा है, एडवांस पैसा भिजवा रहे हैं लोग, तो बताओ एडवांस पैसा कितना आ रहा है, एडवांस में कितना आ रहा है, दस लाख आ रहा है, 10,000, 1,00,000, 10,000। अगर एक शेयर के हिसाब से देखा जाए तो एक शेयर के हिसाब से 10 रुपए आ रहा है, बट हमने शेयर कितने इशू करे हैं, 1,00,000, 10,000, तो 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ 10, देखो एंट्री क्या बनेगी यहाँ पे, एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। अच्छा नरेशन क्या हो जाएगी, पैसा बाद में डालना है आपको, पहले एंट्री बना लेनी है, ठीक है, बीइंग शेयर रिसीव्ड, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बोलो एंट्री समझ आई, लास्ट क्लास में समझाया था, ये पैसा आ रहा है, देखो दूसरे स्टेप में पैसा आ रहा है, पैसा कितना आ रहा है जी, 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ 10, ये आपको लिखना है यहाँ पे, जहां भी आप जनरल एंट्री पास करते हो ऐसे लिख के दिखाना है आपको। तो बताओ 10,000 शेयर पे कितने रुपए आ रहे हैं, 10 रुपए, पैसा कितना आ जाएगा, 10,00,000, 1,00,000, अच्छा 1,00,000, 1,00,000, हाँ 1,00,000, 1,00,000,
ठीक है यस सर। अच्छा अगले स्टेप में क्या होगा बताओ, शेयर कंपनी इशू करेगी, अगले में क्या होगा, शेयर इशू करेंगे हम उनको मालिक बनाएंगे, ठीक है, तो बताओ अगली एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेंट अकाउंट, डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये आपको शॉर्ट में नहीं लिखना है, ठीक है, मैं तो लिख रहा हूँ बट आपको पूरा लिखना है ये शेयर कैपिटल शेयर एप्लीकेशन वगैरह जो भी। नरेशन क्या बन जाएगी इसकी, बीइंग शेयर कैपिटल, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, कैपिटल ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, पर अमाउंट कितना जाएगा सेम 1 लाख, ठीक है बात समझ आई। अगर आप क्रक्स देखो तो देखो शेयर कैपिटल यहाँ पे क्या हुआ था, शेयर सॉरी शेयर एप्लीकेशन क्या हुआ था, डेबिट हुआ था, क्रेडिट हुआ था, यहाँ पे क्रेडिट हुआ है और यहाँ पे क्या हुआ है, डेबिट हुआ है, तो कट गया ये, ठीक है। अगर क्रक्स देखा जाए तो बताओ, अगर क्रक्स देखा जाए तो क्रक्स क्या निकल के आता है, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल, हमारे पास पैसा आ गया, पैसा आ गया और हमने क्या बना दिया, मालिक बना दिया, बस समझ आई, समझ आ गया, ठीक है सर। काम करते हैं, 5-10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद ना एक आपकी बुक से एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है सर, समझ आया ये, ठीक है चलो फिर इसको कंटिन्यू करते हैं, 5-10 मिनट का ब्रेक लेते हैं उसके बाद, ठीक है ओके सर, तब तक मैं इसको सेंड कर रहा हूँ, आप तब तक इसको नोट करना, ओके सर।